आज हम 11वां त्रिपदि करेंगे श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, भागवत शास्त्र मन नव विधा भक्ति धर्म सदा ही करीबो सुसेवन अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहलो भाई ए भक्ति परम भजन। परम भक्ति का परिभाषा क्या है श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की नजर में, तो बता रहे हैं कि प्रेम भक्ति, श्रील ठाकुर महाशय वैष्णव समाज में प्रेम भक्ति के महाराज आख्या प्राप्त करके भी, कि प्रेम भक्ति के महाराज हैं, इनके खजाने में प्रेम भक्ति है, ये प्रेम भक्ति दे सकते हैं, ऐसी संज्ञा प्राप्त करके भी, अतुल प्रेम भक्ति के अधिकारी होकर भी स्वयं को साधारण साधक समझकर कह रहे हैं कि भाई जैसे मान लो कोई विशेष नहीं है, साधारण है। क्या कह रहे हैं? भागवत शास्त्र मर्म नव विधा भक्ति धर्म सदाई करीबो सुसेवन। इसकी दो प्रकार से व्याख्या हो सकती है। एक, भागवत शास्त्र का प्रकृत यथार्थ मर्म श्रीमन महाप्रभु की कृपा से श्रील गोस्वामी पाद की टीकाओं में ही प्रकट हुआ है। यानी भागवत शास्त्र का जो यथार्थ मर्म है उसे पकड़ने वाले बहुत कम है, बहुत कम जानते हैं उसको। ऐसी कहानी कथाएं बथाएं सुना देते हैं चार इधर की उधर की, पर प्रकृत मर्म जो उसका यथार्थ मर्म है, जो अंदर की बात है, हैं? ये कौन बता सकता है? ये हमारे गोस्वामी पादगण की टीकाएं ही बता सकती हैं हमें। और ये कई टीकाएं हैं, जैसे कि वैष्णव तोषणी टीका, क्रम संदर्भादि की टीकाएं, भागवत का गूढ़ार्थ प्रकाशक षट संदर्भ जो है श्रीपाद जी गोस्वामी जी की, और श्रील गोस्वामी पाद के अनुगत श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री बलदेव विद्याभूषण महोदय की टीकाएं, श्रीमद भागवत की मर्मार्थ प्रकाशक व्याख्याएं, इन सबका सतत अनुशीलन करूंगा। और नित्य कृष्णदास जीव के प्रकृत धर्म यानी कि श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति का सर्वदा सुसेवन करूंगा। दो बात आई कि श्रीमद भागवतम को समझेंगे अपने गोस्वामी गणों के माध्यम से, उनकी टीकाओं के माध्यम से, हैं? और दूसरी बात क्या आई? भागवतम समझ करके भक्ति की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कौन सी भक्ति की प्रक्रिया शुरू करेंगे? श्रवण कीर्तन आदि जो नवदा भक्ति है उसकी प्रक्रिया करेंगे, सदा सुसेवन करेंगे, सेवन नहीं करेंगे, सुसेवन करेंगे, यानी अच्छी तरह से उन प्रक्रियाओं को अंजाम देंगे, अच्छी तरह से करेंगे जो करेंगे। अथवा भागवत शास्त्र का यथार्थ मर्म जो नवदा भक्ति है उसका सर्वदा सुसेवन करूंगा। श्री भागवत में प्रहलाद जी ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न वलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन मन्येह धीत मुत्तमम। अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्म निवेदन, ये जो भगवान की नवदा भक्ति है, ये जीव द्वारा भगवान को साक्षात अर्पित हो जाए, मैं उसी को उत्तम अध्ययन मानता हूं। ये किसने कहा? श्रील प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, जो अभी हमने श्लोक बोला ना सातवें स्कंध में, भागवतम के सातवें स्कंध में प्रहलाद महाराज ये बोल रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया, उनके पिता ने पूछा कि क्या पढ़ाई की तुमने बताओ, तो बोल रहे हैं मैंने ये पढ़ा श्रवण कीर्तन स्मरण, यही मेरा उत्तम अध्ययन है कि ऐसे मैं भगवान को समर्पित हो जाऊं इन माध्यमों से, यही उत्तम अध्ययन है। श्रील ठाकुर महाशय सर्व वेदांत सार यानी जितने भी वेद हैं और वेदांत, इन सबका जो सार है हाँ वो है क्या? श्रीमद् भागवतम। उसके द्वारा निर्दिष्ट इन नवधा भक्ति अंगों के सुसेवन का संकल्प कर साधक समाज को भी उनके भली भांति सेवन की प्रेरणा दे रहे हैं। केवल सेवन ना कहकर सुसेवन कहा है। इसका अर्थ यह है कि कल्याणकामी साधक को नवधा भक्ति का इस प्रकार भली भांति सेवन अनुशीलन करना होगा कि उसका कामना वासना से मलिन हुआ चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो जाए। हमारी समस्या हमारी मलिन चित्त है, जो अनादि जन्मों से हमने इतने देह धारण किए और उनमें विभिन्न संस्कार लिए और अभी भी हम विभिन्न संस्कार ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं भाई? टीवी देखते हैं, बाहर जाते हैं, इधर निगाह पड़ती है, उधर निगाह पड़ती है, क्या नहीं पड़ती है? लोगों से बातें करते हैं तो ये कहां जाता है? ये यहां जाता है चित्त में, संस्कारों के रूप में गढ़ जाता है, मैला कुचैला हो जाता है चित्त। तो इसको मांजोगे कैसे?
तो प्रहलाद महाराज ने कहा नवदा भक्ति से, है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण इस तरीके से जो नवदा भक्ति है उसका सुसेवन करेंगे, मतलब अच्छे से करेंगे सारा कुछ। ये नहीं कि आज वहां सुन लिया हो गया फिर एक महीना सुना ही नहीं, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से कीर्तन करेंगे, अच्छे से भजन करेंगे, रोज वंदन होगा, रोज अर्चन होगा, रोज स्मरण होगा, सब कुछ रोज होगा, है ना, तो क्या होगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, अति शीघ्र बोला, अति शीघ्र हो जाएगा। और तो उससे क्या होगा, शुद्ध चित्त का मतलब क्या है, क्योंकि शुद्ध चित्त में ही रति या प्रेम का उद्रेक हो सकता है। चित्त अगर शुद्ध होगा तो ही तो कृष्ण प्रेम राधा रानी का प्रेम इसमें उद्रेक होगा, गौरांग महाप्रभु के प्रति इसी में तभी तो प्रेम होगा, नहीं तो कैसे होगा, असंभव है, तो शुद्ध चित्त में ही होगा। तो श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति अंगों का सुसेवन किस प्रकार करना होगा, इस विषय में हम श्री गोस्वामी पाद गण की वाणियों को अवलंबन कर थोड़ा समीक्षा करेंगे। कारण इस सुसेवन के अभाव से ही अथवा इसका कौशल ना जानने के कारण ही प्रगतिशील भजन जीवन में प्रेम प्राप्त करने में साधक को बहुत देर लगती है। इसलिए आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों कि इसको अच्छे से ना जानने के कारण ही कि नवदा भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसीलिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में लोगों को बहुत देर लगती है, 10-10, 12-12, 15-15 साल हो जाते हैं, परंतु फिर भी भगवान के नाम पर कोई सात्विक विकार देखने में नहीं आते, कोई अनुभव देखने में नहीं आते, है ना। तो सबसे पहले लिया श्रवण अंग, क्या श्रवण किया जाए, किससे श्रवण किया जाए, और किस चीज का श्रवण किया जाए, ये तीन चीजें होती है। भक्ति के नाम पर हर जगह बैठ के उनसे भी सुन ली, उधर कथा सुन ली, उससे कथा सुन ली, उससे क्या चित्त शुद्ध होगा, ये मैं नहीं कह रही, अब श्रीमद् नरोत्तम दास ठाकुर भाषे की व्याख्या कर रहे हैं गुरुदेव, और कैसे कर रहे हैं, हमारे समस्त गोस्वामियों की वाणी को भक्ति का सुसेवन या उत्तम रूप से सुसेवन हो, इस विषय में श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, क्या लिखा है, तत्रापि श्रवणे श्री भागवत श्रवणंतु परम श्रेष्ठ। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, देखो भक्ति का सुसेवन या उत्तम रूप से सेवन हो, इस विषय में श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, तच्च नाम रूप गुण लीलाम शब्दानाम श्रोत्र स्पर्शः तत्रापि श्रवणे भागवत श्रवण तु परम श्रेष्ठ तस्य तादृश प्रभावमय शब्दात्मकत्वत् परम रसमय त्वाच्च तत्र पूर्व स्माद यथा। बहुत बड़ा संस्कृत में बहुत बड़ी बात हुई, और वो लिया है श्रीपाद जीव गोस्वामी जी के भक्ति संदर्भ से, क्या कह रहे हैं, अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीलामय शब्द के श्रवणेन्द्रिय स्पर्श का नाम श्रवण है। जब हम भगवान की लीला कथा का स्पर्श अपने कानों से करते हैं तो वो ही श्रवण है, जब हम भगवान की जो है रूप का स्पर्श अपने कानों से करते हैं, रूप के बारे में सुनते हैं वो श्रवण है, है ना, गुण के बारे में सुनते हैं वो श्रवण है। तो रूप गुण लीला ये सब जो है वो क्या है, श्रवण इंद्रिय से जब स्पर्श करती है तो श्रवण है, और उस श्रवण में भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण ही परम श्रेष्ठ है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण ही परम श्रेष्ठ है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम तो प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहे हैं, या हम कहीं और हम जो है हमारे गोस्वामी गणों की पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो क्या वो श्रवण नहीं है, तो उसका उत्तर है कि वही वो श्रवण है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम पर ही, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम पर ही आधारित है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण है वही परम श्रेष्ठ श्रवण है, कारण क्यों, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के शब्द समूह परम प्रभावमय और परम रसमय है, है ना, परम प्रभावमय है और परम रसमय है श्रीमद् भागवतम के शब्द समूह, परम रसमय, रस ही रस भरा है, और क्या है, प्रभावमय है, एकदम प्रभावित करते हैं उनके शब्द, श्रीमद् भागवत की शब्द राशि परम प्रभावमय है, ये बात ग्रंथ के प्रारंभ में ही वर्णित है, कहा गया है कि महापुरुष जिनके चरण पंकजों की आराधना करते हैं उन्हीं महामुनि भगवान श्रीमद् नारायण ने ही श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया है, इसमें ऐसे प्रभावमय शब्द और ऐसा परम आस्वादन निहित है कि इसको सुनने की इच्छा मात्र से ही तत्क्षणात भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, अन्य किसी शास्त्र के श्रवण करने से या साधना द्वारा क्या भगवान तुरंत हृदय में अवरुद्ध होते हैं, कभी नहीं। श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक आया है, पहले ही आया है, उसमें यही बोला है कि ये
इतना रसमय है इसका आस्वादन और इतना प्रभावमय है कि भक्त अगर इसे सुनने मात्र की इच्छा करता है कि भाई आज मैं जो है सुनने जाऊंगा, तो फिर उसी से भगवान जो है हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। सुनने मात्र की इच्छा से कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, इच्छा मात्र करनी पड़ती है, उससे अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण ही परम श्रेष्ठ है। और अन्य किसी शास्त्र के सुनने से या साधना से क्या भगवान तुरंत हृदय में अवरुद्ध होते हैं? अगर मान लो हम कह रहे हैं कि चलो हम भगवान का नाम लेने जा रहे हैं, क्या तुरंत भगवान कहेंगे मेरा नाम लेने जा रहा मैं इसके हृदय में बन जाऊं? नहीं, ये भागवतम के बारे में कही गई है, भागवतम सुनने के लिए, है ना। इसीलिए जब हम भगवत गीता पर प्रवचन करते थे और फिर भागवतम पे करना शुरू किया, तो मेरा आशय यही था कि लोगों को प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो, क्योंकि भागवतम के शब्द प्रभाव में है, है ना। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान के मुख से ही कही गई है, लेकिन श्रीमद् भागवतम परम रसमय है और वो उपदेशमय है। जीवन शैली कैसे बिताए कि रस की तरफ आप अग्रसर हो, है ना। तो श्रीमद् भागवतम परम रसमय है। हाँ, इसमें श्रीमद् भागवतम के शब्द समूह का स्वाभाविक महात्म्य प्रदर्शित हुआ है उस श्लोक में जहां ये बात बोली गई कि भाई स्वाभाविक शब्द समूह का स्वाभाविक महात्म्य, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई बड़ा चढ़ा के कही बात नहीं है, स्वाभाविक महात्म्य। श्रीमद् भागवतम परम रसमय है, जो सर्व वेदांत सार इस श्रीमद् भागवत सुधा से परितृप्त होते हैं वो अन्य किसी शास्त्र या साधन में रुचि नहीं ले पाते। यानी कि जो श्रीमद् भागवतम की सुधा से, उसके अमृत से जो तृप्ति मिलती है, और एक बार उस तृप्ति का इंसान अभ्यस्त हो जाए तो अन्य कोई शास्त्र आ जाए, कोई भी शास्त्र आ जाए, उसमें उनकी रुचि नहीं आएगी, उसमें आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वही सर्व वेदांत सार है। यहां विवेच्य है, पहली बात तो ये बड़े ध्यान से सुनो कि भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण ही परम श्रेयस्कर है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है कि भगवान का रूप गुण लीला ये सब श्रीमद् भागवतम में है और ये परम श्रेयस्कर है। उसमें भी महतजनों द्वारा रचे प्रबंध आदि का श्रवण अधिकतर मंगलजनक है, है ना। कि इसके ऊपर जो टीकाएं की है हमारे महतजनों ने, हमारे गोस्वामी पाद ने, है उन्होंने जो रचा है, जो उन्होंने टीका की है प्रत्येक श्लोक की, इस श्लोक का अर्थ ये है, इसका मर्म ये है, वो सुनना और भी अधिक मंगलप्रद है। फिर वे प्रबंध आदि यदि महत जनों द्वारा कीर्तित है तो उसका महत्व और भी अधिक है। यानी कि अनेकानेक महत जन उस प्रबंध यानी जो टीकाएं वगैरह उन्होंने ली है की है उसको उसका संदर्भ लेकर के अगर व्याख्यान दे रहे हैं तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सभी लोग उसी को कोट कर रहे हैं, है? और भी ज्यादा है। फिर महामहत श्री व्यास शुक आदि द्वारा रचा श्रीमद भागवत शास्त्र महत जनों द्वारा कीर्तित होने पर अत्यंत मंगलप्रद है, है ना। और फिर वो श्रीमद भागवत प्रणिहित श्री हरि का नाम गुण लीला आदि यदि स्वजातीय वासना युक्त महानुभाव के श्रीमुख से सुनने को मिले तो ये सर्वाधिक आस्वादन देने वाला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि अगर ये चीज हमें स्वजातीय वासना युक्त यानी जिसका भाव एक ही है, हमारा एक ही भाव है, हम लोग सब रस तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग मंजरी भाव उपासना की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हमारा एक ही वासना है और हम ऐसे व्यक्ति से सुन भी रहे हैं जिसकी वासना भी वही है जो हमारी वासना है, तो ये फिर सर्वाधिक आस्वादन देने वाला है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में नाना अवतारों की लीलाएं वर्णित हैं, फिर भी श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण परम सौभाग्य सापेक्ष है, कारण वे स्वयं भगवान और साक्षात माधुर्य मूर्ति है। भागवतम में भगवान ने दिखाया कि उनके अनेक अनेक अवतार हैं, अनेक अवतारों के अपने अन्य भक्तों के साथ अनेक व्यवहार हैं, उनकी अनेक लीलाएं हैं, उनके अनेक महात्म्य हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा जो रसिक और रसमय है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। इसीलिए दो स्कंध तकरीबन सिर्फ उन्हीं को डेडिकेटेड है। राधा, ये कहा जा सकता है कि सारा जो श्रीमद् भागवतम में हर जगह पे भगवान श्री कृष्ण का जिक्र आ ही जाता है। श्रील गोस्वामी पाद के इस सिद्धांत से हमें सार बात यही पता चलती है कि सजातीय आशय महत पुरुष के श्रीमुख से, श्रीमद भागवत से श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण आदि का श्रवण महाशक्तिशाली और परम रसमय होकर साधक की श्रवणांग भक्ति को अति सुसेव्य बना देता है। मतलब क्या कि इससे हमें पता चला कि सजातीय आशय महत पुरुष के श्रीमुख से, है ना, रस भाव जिसका एक हमारे जैसा है
उससे जो हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और उसमें भी भगवान का नाम रूप लीला आदि का श्रवण सुनते हैं, तो महाशक्तिशाली होकर के और परम रसमय होकर के हमारी जो श्रवणांग भक्ति है उसे अति सुसेव्य बना देता है, स्वाद युक्त कर देता है, आस्वादन युक्त हो जाता है ना। श्री गोस्वामी पादगण ने श्रीमद् भागवतम को केंद्र बनाकर श्री कृष्ण लीला विषय जितने भी सिद्धांत ग्रंथ आदि रचे हैं वे सब भागवत पद वाच्य माने जाएंगे, वो भी भागवत के समान माने जाएंगे। जो हमारे गोस्वामी गणों ने श्रीमद् भागवतम को आधार बना करके अनेक ग्रंथ लिखे हैं वो भी भागवतम के जैसे माने जाएंगे। इस बार गुरुदेव ना एक घटना सुनाते हैं विच इज अ ट्रू घटना। एक बार एक गुरु थे और उनके शिष्य थे। गुरुदेव बहुत अच्छे भक्त थे, सुबह से लेकर रात तक उनका भजन चलता रहता था, वो मतलब बिना कोई गैप लिए भजन करते रहते थे, बहुत भजन करते थे। तो जब वो नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, मतलब देह त्याग किया उन्होंने, तो शिष्य ने सोचा अब तो वो चले गए नित्य लीला में, अब तो गुरुदेव को मंजिल प्राप्ति हो गई। एक बार वो उनके सामने प्रकट हो गए तो बोले गुरुदेव आप यहाँ, मैंने तो सोचा आप नित्य लीला में चले गए। तो बोले अरे कहाँ रे, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? मैंने अपने गोस्वामी गणों के ग्रंथों की अपेक्षा श्रीमद् भागवतम को ही पढ़ा, ये सोचा कि गोस्वामी गणों के ग्रंथ और श्रीमद् भागवतम दोनों अलग अलग चीजें हैं, है तो भागवतम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गोस्वामी गणों के जो ग्रंथ है उन्हें नहीं पढ़ के भी काम चल जाएगा। ऐसे सोच करके मैं भागवतम में लगा रहा और गोस्वामी गणों के ग्रंथों को भागवतम से अलग मान करके उनकी उपेक्षा कर दी। इसलिए भगवान ने कहा जाओ 3 साल और भटको, तो 3 साल के बाद अब मुझे मंजिल मिलेगी। ये सच्ची घटना है, गुरुदेव बताते हैं। तो राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्रीमन महाप्रभु के लीला विषय, अब देखो देखो ये बहुत सुंदर है कि श्री कृष्ण लीला विषय जितने भी सिद्धांत ग्रंथ या रस ग्रंथ हैं वे सब भागवत माने जाते हैं। जैसे राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्रीमन महाप्रभु के लीला विषय श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ में, और श्री ठाकुर महाशय के प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रार्थना आदि भी वैसी ही महाशक्तिशाली और महारसमय है जैसे कि भागवतम है। क्यों? क्योंकि भागवतम को आधार बना करके इसमें लिखा गया है। सजातीय आशय यानी अपने ही भाव रस वाले महत जनों से इन ग्रंथों के श्रवण से वे सभी अंतराय शीघ्र दूर हो जाते हैं, है ना। अपने ही आशय वाले जैसे हमारा रस है वैसे ही अगर जिनसे सुन रहे हैं उनका भी रस हो तो सारे जो हमारे अंदर श्रवण भक्ति के क्षेत्र में अंतराय है ना, नींद आ जाना, मन ना लगना, ये सब दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारा भी तो रस वही है। अगर यही चीज हम किसी राम भक्त से भागवतम बैठ जाए सुनने के लिए, हमारा रस नहीं आएगा। या कोई मंजरी भाव उपासना नहीं, उस क्षेत्र का अधिकारी नहीं है परंतु भागवतम के श्लोकों से रटे हुए हैं तो हमें रस नहीं आएगा। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि हमारा भाव और रस अलग है। तो कौन से अंतराय दूर हो जाते हैं? जो श्रवणांग भक्ति के सुसेवन के प्रतिकूल है, तब श्रवणांग भजन में रुचिशील साधक शीघ्र ही प्रेम लाभ कर धन्य हो जाते हैं और इसे ही कहते हैं श्रवण अंग का सुसेवन, है ना। यही है श्रवण अंग का सुसेवन। दूसरा आप बता रहे हैं कीर्तन। कीर्तन का क्या मतलब है? श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का उच्चारण ही कीर्तन है। विशेष रूप से भगवान का नाम कीर्तन ही कली का युग धर्म है। साधनों में भगवान नाम साधन जैसा श्रेष्ठ साधन और नहीं है जिससे प्रेम प्राप्ति हो। साधन की जब बात कही जाती है, श्रवण तो ठीक है लेकिन प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा साधन जो है वो भगवान के नामों का कीर्तन है, है ना। देश काल द्रव्य आदि परिच्छेद रहित यानी सीमाहीन, अधिकार अनाधिकार विवर्जित, जीव मात्र का परमहित, सज्जन मात्र द्वारा समादृत, अनंत सिद्ध साधकों द्वारा आचरित नाम संकीर्तन ही सभी शास्त्रों में प्रेम प्राप्ति के परम उपाय के रूप में निर्णीत हुआ है। समझ गए? इसमें देश काल द्रव्य, आपके पास पैसा है कि नहीं है, इट डजंट मैटर। देश कौन से देश में रहते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज में है, दिल्ली में रहते हैं, राधा कुंड में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह नाम ले सकते हैं। कल हम लोग जिक्र भी कर रहे थे कि वाच्य रूप भगवान का और वाचक रूप इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाच्य रूप, है ना। वाच्य रूप यानी भगवान स्वयं और वाचक रूप यानी कि भगवान का, वाचिक रूप मतलब भगवान का नाम। नाम ज्यादा करुणामय है क्योंकि जब प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो ही हम भगवान को देख पाते हैं,
भगवान के वाच्य रूप को यानी भगवान को देख पाते। जब प्रेम मिलेगा तभी साक्षात्कार होगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन भगवान के नाम पर जीव मात्र का अधिकार है। परम पापी भी भगवान का नाम ले सकता है, उसके लिए सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो कर है ना, और नाम लेते लेते शुद्ध हो जाएगा और भगवान मिल जाएंगे उसे। तो नाम ज्यादा करुणामय है। तो यहाँ बोला भी गया है, एतद् निर्विद्यमाना नाम इच्छता मकुतो भयम योगी नाम निपनिर्णितम हरे नाम अनुकीर्तनम। और श्रीधर गोस्वामी महाराज की टीका के अनुसार भी बोला जा रहा है कि साधकों और सिद्ध पुरुषों के लिए भी नाम कीर्तन की अपेक्षा और श्रेष्ठ साधन नहीं है। ये नहीं कि हम जो साधक बैठे हैं, जो सिद्ध होना चाहते हैं, वही भगवान का नाम लें। कहने सिद्ध लोग भी नाम के अलावा कोई चारा नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग भगवान की लीला में अंदर उतरते हैं वो भी नाम के सहारे चलते हैं। नाम चलता रहता है और लीला आती रहती है। नाम को छोड़ के लीला नहीं हो सकती, तब वो कल्पना हो जाएगी। नाम के साथ ही उसमें बल आएगा और हमारे अंतराय दूर होंगे। तो हे राजन, जो लोग सकाम हैं उनके लिए वांछित फल का अव्यभिचार ही साधन ये नाम कीर्तन ही है। भाई जिनको कुछ चाहिए, पैसा रुपया धन दौलत बाल बच्चे पत्नी पति कुछ भी चाहिए, गाड़ी घर बंगला जो भी चाहिए, वो भी अगर हरि नाम करेंगे तो वो भी मिल जाएगा उन्हें, वो भी मिल जाएगा बकायदा। बहुत एक लाभ भी मिल जाता है नाम कीर्तन से। फिर निर्विद्यमान यानी मुमुक्षुओं के लिए मुक्ति का मुख्य साधन भी यही नाम संकीर्तन है। जिसे मुक्ति चाहिए उसे भी हरि नाम करना ही पड़ता है, बिना भगवान का नाम लिए मुक्ति भी नहीं मिलती। योगी और ज्ञानियों के योग और ज्ञान साधन का मुख्य फल भी यही नाम संकीर्तन है। ये नाम संकीर्तन किस प्रकार सुसेव्य होकर प्रेम का साधक बनता है, श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं श्रीमुख से शिक्षाष्टक में व्यक्त किया है। जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजाए, ताहा लखन सुनो स्वरूप राम राय। कह रहे अगर इस भाव से नाम लोगे ना, जैसे अब बता रहे हैं महाप्रभु, तो उस भाव से नाम लेने से प्रेम तुरंत उत्पन्न होगा। एक क्षण की देरी नहीं लगेगी, कहां जन्म जन्म लग जाते प्रेम नहीं मिलता, एक क्षण की देरी नहीं लगेगी। क्या त्रिनादपि सुनी चेन तरो रे सही सुनना अमानी ना मान देन कीर्तिया सदा हरि। महाप्रभु ही खुद बता रहे इस श्लोक का अर्थ क्या है। उत्तम भैया आपना के माने त्रिनाधम, दुई प्रकार सहिष्णुता करे विक्षम। कह रहे देखो, अपने को तृण से भी अधम मानना है, हालांकि आप बहुत उत्तम है, दुनिया आपकी पूजा करती है, झुकती है आपके कदमों में, लेकिन मानना खुद को तृण से भी गया हुआ। दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्षसम, और दो प्रकार से सहनशील बनना है, जैसे वृक्ष बनते हैं। कैसे है वृक्ष सहनशील? वृक्ष जेनो काटी ले है, कुछ ना बोले, सुखाइया मेले कारे पानी ना मांगे। अगर वृक्ष को काटो तो कभी बोलता है नहीं काटो नहीं काटो नहीं काटो, कभी नहीं बोलता। और अगर वो सूख जाता है तो भी किसी से पानी नहीं मांगता कि नहीं पानी दो मैं तो सूख रहा हूँ, हाय हाय, पानी नहीं मांगता। जे ही जे मांगे तारे दे अपन धन, गर्म वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण। जो कोई उनसे कुछ मांगता है वो उन्हें अपना सारा धन दे देता है, पेड़ से माने लकटेहनिया दे देता है, पत्ते दे देता है, फल दे देता है, फूल दे देता है, पेड़ सब कुछ दे देता है। और घाम सहता है यानी कि धूप सहता है, बारिश सहता है, और फिर भी जो है सबकी आन की रक्षा करता है। उत्तम भैया वैष्णव होबे निराभिमान। वैष्णव का परिचय बता रहे हैं कि वो बेशक बहुत उत्तम है लेकिन अभिमान रहित होगा, उसे कोई अभिमान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, देह से संबंधित किसी भी चीज का, यहाँ तक कि भक्ति का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, घातक है। और जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, और प्रत्येक जीव को सम्मान देगा ये सोच के कि इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की अवस्थिति है। ए मथैया जय कृष्ण नाम लय, कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। इस तरह से जो कृष्ण नाम लेता है कृष्ण के चरण में उसका प्रेम उपज के ही रहता है। तो श्रील कविराज गोस्वामी ने उक्त श्लोक पर मंतव्य प्रकट करके लिखा है, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो भाई, ऊर्ध बाहु करी कही सुनो सर्व लोग, नाम सूत्रे गाथी परो कंठे ए श्लोक। कह रहे ऊर्ध बाहु बाहें ऊंची करके कह रहे हैं कि सब लोग सुन लो, नाम जो लोग ले रहे हैं और लेना चाह रहे हैं उसे गले में बांध लो कि मेरे को ये नाम लेना है, और ये श्लोक ना कंठ में तावीज की तरह बांध दो,
क्या त्रिनादपि सुनी से तरोरी विषय सुनना अमानी ना मान देन कितने सदा ही। जो ये चार आइटम अच्छे से कर लेंगे उन्हें प्रेम की प्राप्ति दूर नहीं रहेगी, उन्हें कृष्ण प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। क्या तृणादपि सुनी चेन, हम तृण से भी अधम है, तरोरेव सहिष्णुना यानी कि हम जो है तरु से भी ज्यादा सहनशील होना है, तरु या तरु के समान सहनशील होना है। अमानी ना मान देन, खुद के लिए कोई मान नहीं, तू इज्जत करा भाई वेरी गुड, नहीं इज्जत करा तो भी वेरी गुड, हम तो इज्जत के लायक ही नहीं है, मगर हमें तुम्हारी इज्जत करनी है ना। अमानी ना मान देन, ये तीन चीजें खासतौर से पूरी तरह जो करेगा कीर्तियां सदाहरी। तो फिर बोल रहे कि मान लो भाई ये तो बहुत मुश्किल है प्रभु, खुद को तृण से अधम समझना तो प्रभु बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, कैसे तरु के समान सहिष्णु होंगे, ये शक्ति कहाँ से आएगी। तो ये बोला प्रभु आज्ञाए करो ए श्लोक आचरण, प्रभु की आज्ञा से इस श्लोक का आचरण करो सब लोग जो भगवान का नाम ले रहे हैं, हैं? क्यों कि महाप्रभु शक्ति देंगे। तभी बोला प्रभु की आज्ञा से श्लोक का आचरण करो, क्यों, क्योंकि महाप्रभु शक्ति देंगे ऐसा आचरण करने के लिए। अवश्य पाई भी तबे श्री राधा कृष्ण चरण, तब अवश्य ही तुम्हें भगवान कृष्ण के चरण मिलेंगे। तात्पर्य यही है कि नाम करने के सब करने से समय ये श्लोक याद रखना होगा, जब भी हम नाम करें ये श्लोक और जिस उपाय से ऐसी अवस्था प्राप्त हो उसके लिए श्री नाम के निकट ही सकातर प्रार्थना और हृदय की व्याकुलता व्यक्त करनी होगी। भगवान का नाम सर्वशक्तिमान है, पूरी तरह शक्ति है। आप प्रार्थना जैसे भगवान के सामने करते हैं ऐसे श्री नाम के सामने करेंगे कि हे नाम प्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस श्लोक के अनुरूप उतरूं, क्योंकि इससे बहुत फायदा है। तुरंत एक तो प्रेम मिलेगा, दूसरा ये कि प्रेम नष्ट भी नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं कि भाई ये जो है ना ये जो वैष्णव अपराध है ना प्रबल अंतराय है, लेकिन वैष्णव अपराध हमसे घटेगा ही नहीं जब हम सबसे अपने को ही अधम मानेंगे। तो जब हम कहेंगे हम अधम है और तुम सब उच्च हो तो फिर किसी से ईर्ष्या ही नहीं होगी, किसी से गुस्सा ही नहीं आएगा, किसी को मारेंगे नहीं, किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, सबको मान देने का आदत हो गई तो फिर अपने मान के जब हमें आकांक्षा ही नहीं है तो कोई हमें मान नहीं देगा तो हमें बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आकांक्षा ही नहीं है, है ना। अगर आकांक्षा होती तो बुरा लगता ना, आकांक्षा है ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो क्या बोल रहे कि जब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक नाम ग्रहण का मुख्य फल प्रेम प्राप्त नहीं होगा। महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में एक बात भी बोली है कि कृष्ण का एक नाम सारे पापों को खत्म कर देता है और दूसरा नाम तुरंत प्रेम ले आता है। अगर कई साल हो गए और ये नहीं हो रहा तो मानना कि अपराध बहुत है अभी आपके हृदय में, इस जन्म के भी और बहुत पिछले जन्मों के भी बड़े महत अपराध किए होंगे। पता नहीं कितने वैष्णवों को डांटा होगा, हमारा कोई बच्चा भगवान का भक्त निकल गया होगा तो उसी के आगे मारपीट कर दी होगी, जाने कितने गड़बड़ आइटम हमने कर रखा है, आज भक्ति मिल गई होगी, मिल गई है, लेकिन उस अपराध तो है पूरे प्रबल। तो इसीलिए बोला कि आज से ही अवस्था हो जाए, तृणादपि सुनी चेन तरोरी विशेष सुनना अमानी ना मान देन कीर्ति सदाहरी, तो क्या होगा, नाम ग्रहण का मुख्य फल प्रेम प्राप्त होगा। इस नाम साधना द्वारा प्रेम भक्ति के मार्ग में प्रबल अंतराय है। क्या क्या है, नाम अपराध, नाम अपराध है ना। श्लोक का यथायथ याचन ही याजन ही निरपराध होकर नाम कीर्तन का अमोघ उपाय है, क्योंकि नाम अपराध ही महाशक्तिशाली महाशक्तिशाली नाम साधना द्वारा प्रेम भक्ति के मार्ग में प्रबलतम बाधा है। अगर ये हम साधना करेंगे, ये भी साधना का अंग है, त्रिनादपि सुनी चेन तरो रे विषय सुनना अमानी ना मान देन, ये तीन चीजें जो बोला महाप्रभु ने ये साधना का अंग है, इसके लिए बहुत एफर्ट करना है। अगर इसमें एफर्ट कर दिया तो सब कुछ ईजी है, सब कुछ चीजें, क्यों, नाम अपराध ही नहीं होगा और बाकी नाम अपराध भी समाप्त हो जाएंगे, है ना, चित्त शुद्ध हो जाएगा जल्दी, क्योंकि नाम अपराध ही प्रबल अंतराय है। सापराध व्यक्ति के प्रति श्री नाम प्रसन्न नहीं होते, जिसने अपराध किया है, जिसके चित्त में अपराध है, श्री नाम प्रसन्न नहीं होते। अपराधी व्यक्ति बहुत समय तक नाम करे कीर्तन करे तब भी वे उसे प्रेम देने की इच्छा नहीं करते, नहीं देते, जल्दी प्रेम नहीं देते। जो लोग कली के युग धर्म इस हरिनाम संकीर्तन का सुसेवन कर शीघ्र ही प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें दशविध नाम अपराध छोड़कर ही नाम कीर्तन करना होगा। जो 10 नाम अपराध हैं पद्म पुराण में बताए गए हैं वो नाम अपराध छोड़कर ही कीर्तन करोगे, भगवान का नाम लोगे तो ही प्रेम प्राप्त होगा। वो क्या है, राध शब्द का अर्थ है संतोष, अपराध में राध है संतोष, और अपराध होने पर नाम का संतोष चला जाता है तब श्री नाम जो है वो अपना प्रभाव छिपा लेते हैं।
राद माने संतोष और अप माने संतोष का कम हो जाना, खत्म हो जाना, अपराध है ना। तो अपराध होने पर नाम का संतोष चला जाता है, तो श्री नाम अपना प्रभाव छुपा लेते हैं। इसलिए नाम अपराधी नाम का सुसेवन करने में असमर्थ होता है। सुसेवन दूर की बात, नाम ले रहे हैं उसमें मजा आना वो तो दूर की बात है, और क्या हो जाता है नाम ले रहे हैं तो भी क्या होता है, देखो अश्रद्धा, नाम में अश्रद्धा। हाँ भैया ले लिया, होगी 16 माला रखो, लपेट के रख लो, है ये अश्रद्धा है। कुटिलता, दूसरों से खुद को हम कैसे ऊंचा बताएं, उसकी हर बात को काटो, वो किसी की बड़ाई करे काटो, अरे नहीं नहीं बड़ाई तो आप कर रहे हो मगर उसमें ये दोष है, ये दोष है, ये दोष, ये कुटिलता है हमारी, कुटिलता आ जाती है। और कुटिलता, कृष्णेतर वस्तुओं में अभिनिवेश, जो चीज श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है उसी में निवेश बना रहता है मन का, पैसा रुपया गाड़ी बच्चे पति पत्नी, इसमें हमारे चित्त का अभिनिवेश या अपराध का ही तो परिणाम है, इन्हीं में बना रहता है। और फिर क्या, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा इसकी आशा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा हो रही है वो तो भक्तों की हो ही जाती है, लेकिन अगर इसकी आशा है तो वो बहुत भयंकर है, वो परम अपराध है ना, प्रबल अंतराय है। नाम भजन में शिथिलता, ये लाभ जब होने लगता है ना, किसी को खूब लाभ होता है, खूब पैसा आ रहा है और खूब प्रतिष्ठा हो रही है और खूब जो है पूजा हो रही है और नाम भजन में शिथिलता आ गई है कि भैया अच्छा नाम ले रहा था अब वो कह रहा बस अब किस तरह बस हो जाए भैया घटाघट घटाघट, है ना, तो वो क्या है, ये सब इस अपराध के ही विस्मय फल है, ये फल है अपराध के, हम जो अपराध करे रहते हैं उसके लक्षण ये है, अश्रद्धा होगी, कुटिलता होगी, कृष्ण से संबंधित जो वस्तुएं नहीं है उनमें अभिनिवेश बढ़ जाएगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आशा रहेगी, प्रतिष्ठा आशा रहेगी कि लाभ हो जाए हमें, पूजा हो जाए हमारी, यहाँ पोस्टर छपा दो वहां बैनर हो जाए, ये सब रहेगा, प्रतिष्ठा हमारी हो जाए, नाम भजन में शिथिलता होगी। फिर राध का अर्थ है सिद्धि, अपराध से नाम की फल सिद्धि नष्ट हो जाती है, कारण ये साधक का सारा साधन भजन व्यर्थ कर देता है, जितना साधन भजन हम करें सब व्यर्थ हो जाता है, क्यों, क्योंकि अपराध कर रखा है, व्यर्थ कर देता है। और अप्राकृत वस्तु को प्राकृत वस्तु की तरह दिखाता है, अप्राकृत वस्तु, भक्त का शरीर जो भगवान में पूरी तरह से लीन है, उसका शरीर उसकी वाणी उसका हर चीज अप्राकृत है, लेकिन जब हम अपराध युक्त होते हैं चाहे बेशक कितना ही नाम लेते हैं तो हम भक्त को प्राकृत वस्तु की तरह, प्राकृत व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं, आप ऑर्डिनरी हो, आप पे कुछ विशेष ही कृपा हो गई है भगवान की, वह हो ऑर्डिनरी, पर हो सकता है कि वो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन हम ऑर्डिनरी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक अहम है ना, एक प्रॉब्लम है हमारे अंदर, है ना, जिसको हम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वही त्रिनादपी सुनिचैन तरोरी सहिष्णु अमानी ना माने देन, ये तीन चीजें ही नहीं हमारे अंदर, ये समस्या आ जाती है। तो क्या बोला, अप्राकृत वस्तु को प्राकृत वस्तु की तरह वो दिखाता है अपराध, और साधक के चित्त मन में भोग स्पृहा जगाता है, उसके चित्त मन में ये भी भोगूं वो भी भोगूं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसे कपड़े हों वैसे कपड़े हों, ये सब नाम ले रहे हैं तो भी ये सब आ रहा है, क्यों, अपराध है। फलस्वरूप साधक नाम आश्रय लेकर कृतार्थ होने में सक्षम नहीं होता, कृतार्थ मतलब प्रेम, कृतार्थ कहां से होगा, अपराध है। यहाँ हम नाम अपराधों का संक्षेप में उल्लेख कर देते हैं, वो सुन लो, साधु निंदा, ठीक है, भक्तों की निंदा, श्री विष्णु या श्री शिव के नाम आदि को पृथक समझना, है ना, जो विष्णु जी और शिव जी हैं उनके नाम को पृथक समझना या शिव जी को भी स्वतंत्र ईश्वर समझ लेना, ये भी गड़बड़ है। गुरुदेव की अवज्ञा या श्री गुरु में मर्त्य बुद्धि, गुरुदेव की अवज्ञा करना और उनमें या फिर मर्त्य बुद्धि हो जाए कि अरे ये भी तो मरणशील आदमी है, आदमी तो है, तो ये भी गड़बड़ है। श्रुति और तद अनुगत शास्त्रों की निंदा, हो सकता है शास्त्र के कुछ भाग हमें न समझ आए, हो सकता है कुछ शास्त्र कर्म प्रधान बातें कर रहे हो, कुछ शास्त्र यज्ञ प्रधान बातें कर रहे हो, लेकिन उनकी निंदा करने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि शास्त्र अपौरुषीय है, अधिकार के अनुसार सबके लिए भगवान ने सब कुछ कहा है। श्री हरिनाम की महिमा को स्तुति वाक्य मानना, ये सोचना कुछ ये हरिनाम की जो महिमा बताई है कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ा चढ़ाकर बोली है, कुछ ज्यादा अतिशोक्ति है ये, जबकि ऐसा नहीं है, हरिनाम की तो इतनी महिमा है कि शास्त्र के शब्द कम पड़ गए उस महिमा को बताने के लिए, इतनी हरिनाम की महिमा है, लेकिन ये सोचना कि बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, अति स्तुति मानना। और श्री हरिनाम में अर्थांतर की कल्पना,
उसमें उसमें अपने अर्थ लगा देना, अपने अर्थ वर्थ जोड़ देना, नाम के बल पर पाप आचरण की प्रवृत्ति। गुरुदेव कहते हैं ये भी बहुत भयंकर अंतराय है। हमें पता चल गया कि एक हरि नाम सारे पापों को नष्ट कर देता है, और हमने सोच लिया चार पाप कर ही लेते हैं तो क्या हरि नाम ले लेंगे चार माला एक्स्ट्रा। ऐसे लोग करते हैं, हमने लाइफ में देखा है। अन्य शुभ क्रिया आदि के साथ श्री हरि नाम की समता मानना, जैसे कि कोई भी शुभ क्रिया हो रहा है ना सुबह, अब ये करना बहुत जरूरी है, ये अच्छा है, हरि नाम भी मतलब शुभ क्रिया के समान है, विच इज नॉट सो। तो उस गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन है भगवान का नाम, तो वो कोई भौतिक नहीं है। और या फिर श्रद्धाहीन को नाम का उपदेश देना, जिसमें श्रद्धा ही नहीं है भगवान के प्रति, उसे भगवान के नाम के बारे में बताए जा रहे हैं, भगवान के बारे में बताए जा रहे हैं, ये भी अपराध है। और दसवां, नाम महात्म्य सुनकर भी नाम में अप्रीति, अप्रीति नाम में कोई प्यार नहीं होना, नाम से कोई लगाव नहीं होना, इतना महात्म्य सुनकर भी, वो भी एक अपराध है। इन 10 अपराधों से रहित होकर नाम कीर्तन करना ही कीर्तनांग का सुसेवन है। अगर हम कह रहे हैं कि हम कीर्तन के अंग को भली भांति निभा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 10 अपराधों से रहित होकर के ही इन इस कीर्तन को करना है, तो ही कीर्तन अंग का सुसेवन है। तीसरे पे आइए, स्मरण। 9 है 9, स्मरण। भगवान के नाम गुण लीला आदि के साथ मन के संयोग को ही स्मरण कहते हैं। नाम सुन रहे पर मन का संयोग नहीं है, स्मरण नहीं है। गुण भगवान का सुन रहे हैं पर मन कहीं इधर उधर भाग रहा है, स्मरण नहीं है। लीला सुन रहे हैं, सोच रहे हैं पर मन कहीं और भाग रहा है, रोबोटिक वे में, मैकेनिकल वे में लीला सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ वो मैंडेटरी है लीला स्मरण, लेकिन हम लौकिक मैकेनिकल वे में सोचेंगे तो फिर वो क्या है? स्मरण नहीं है। श्री हरि स्मृति ही सब साधनों का प्राण स्वरूप है। हम चाहे नाम लें, चाहे वंदन करें, चाहे अर्चन करें, अगर उसमें भगवान के रूप ध्यान नहीं कर पाते हैं, भगवान की लीला ध्यान, उनके गुण माधुरी का ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो प्राण विहीन साधन है। स्मरण पर इतना जोर दिया गया है, अंत काले चा मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गीता में भी भगवान ने कहा है कि अंत में मुझे स्मरण करके ही अपने शरीर का त्याग करोगे तो मुझे पाओगे। और हम सिर्फ नाम ले लें और स्मरण मन उससे संयुक्त ना हो, यानी स्मरण नहीं हुआ, यानी कि प्राप्ति नहीं हुई, है ना? क्योंकि प्रेम हो जाएगा तभी प्राप्ति होगी। स्मरण अंग भक्ति याजन में मन संयोग का एकांत प्रयोजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। मन अगर शुद्ध ना हो तो मन का संयोग संभव नहीं। मन अगर अशुद्ध है, अपराध युक्त है, पापी है, है? भोग में डूबा पड़ा है, तो कहां से फिर वो नाम रूप लीला गुण में संयुक्त होगा? जाके लगेगा ही नहीं उनके साथ। जब लगेगा ही नहीं तो फिर प्राप्ति भी नहीं होगी, है ना? अर्थात अन्य पदार्थों में स्फुरण रूपी मल के नष्ट ना होने से चित्त शुद्ध नहीं होता। यानी कि अन्य पदार्थों में मन खटाक से चले जाए। हो सकता है हम यहाँ बैठे हो पर सोच रहे हो कि 6:30 बजे मेरे लिए कोई हलवा लेके आ रहा है, समझ रहे हो? तो हलवे के टेस्ट पर ही नजर जा रहा है, कई बार वो मिठास मुंह में घुल गई, समझ रहे हो? मतलब एक एग्जाम्पल है। वो 6:30 बजे का ही सोच रहा है, सुन रहा है कृष्ण कथा पर मन तो है ही नहीं वहां, तो स्मरण भक्ति नहीं हुई। इसलिए स्मरणांग याजन सभी के लिए संभव नहीं होता। तभी श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, अत शरण्या पत्यादि भी शुद्धांता करण चेत। अर्थात श्रद्धा, शरणापति, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को कि कैसे हमारा चित्त मार्जित होगा। श्रद्धा, शरणापति, श्री गुरु वैष्णव की सेवा, श्रवण कीर्तन आदि भजन अंगों के याजन से जैसे जैसे साधक का चित्त मजता जाता है, तैसे तैसे उसका स्मरणांग भजन सुखकर और सुसेव्य बनता जाता है, है ना? ये सारे भक्ति का साधन अपनाते हुए और तृणादपि सुनिचेन वाली बात मन में रखते हुए जब हम साधन अपनाते हैं तो ही चित्त जो है मार्जित होगा और स्मरण में तुरंत मन लगेगा। ये भी बता दूं, जिस लीला में आप जाओगे उस लीला में ही वहां पहुंच ही जाओगे। अगर चित्त शुद्ध है तो जिस लीला में हम उतरे उस लीला में पहुंच ही गए और उसका इतना स्वाद मिलेगा, अगर शुद्ध है चित्त। नहीं तो वही बहुत बोरिंग लगेगी कि आप गुरुदेव ने बोल दिया बैठ के लीला याद करो, बस की नहीं हमारे, है ना? वही महाबोरिंग लगेगा, जो सबसे रसमय है वो महाबोरिंग लगेगा। सोचो क्यों, ये चित्त अशुद्ध है इसलिए, गलती हमारी है। तो स्मरणांग भजन में लगा साधक साधन प्रयत्न से इस स्मरणांग भजन का सुसेवन करते करते क्रमशः कई स्तरों का अतिक्रम कर भाव सिद्धि के राज्य में पहुंच जाता है।
कई स्तरों का क्रम है ना, कई स्तरों का अतिक्रम कर। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने उन स्तरों का उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है, देखो पांच तरीके का वो स्तर है बता रहे हैं। स्मरण पांच प्रकार का है। किसी भी प्रकार श्री हरि के रूप नाम आदि के अनुसंधान का नाम स्मरण है। अभी स्मरण का टाइप बता रहे हैं कि स्मरण पांच प्रकार का होता है। हम लोगों की जो अवस्थाएं हैं, विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के अनुकूल स्मरण पांच प्रकार का है। पहला, किसी भी प्रकार भगवान के नाम और रूप आदि का अनुसंधान। किसी भी प्रकार रूप की बात सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, ये स्मरण भक्ति में आ गई। आमतौर पर हर स्टार्टर कर पाता है ना, जब भी शुरू भी कर रहा है वो भी कुछ 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 मन से सुन लेता है, कहीं कहीं लगी जाता है, स्मरण है। सब विषयों से चित्त को आकर्षित कर श्री हरि के रूप गुण आदि को चित्त में धारण करने का नाम धारणा है। ये नेक्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज क्या है कि सब जगह से सब विषयों से चित्त को आकर्षित कर, कहीं भी कोई विषय हमें खींच रहा है, हम फौरन खींच के ले आए अपना चित्त। हम मान लो कोई व्यक्ति खींच रहा है, कोई और खींच रहा है, वो वहां से अपने चित्त को ले आओ और लाके फिर भगवान के चरणों में उनका रूप ध्यान करो। तो क्या है, सब विषयों से चित्त को आकर्षित कर श्री हरि के रूप गुण आदि को चित्त में धारण करने का नाम धारणा है। विशेष रूप से रूप आदि का चिंतन करना ध्यान है। धारणा क्या है कि आप जो है रूप और गुण को चित्त में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा भगवान के ये गुण है, अच्छा अच्छा दो मिनट के लिए ध्यान गया था मेरा वहां कि पानी जो है भर गया होगा कि नहीं, टंकी भरी तो नहीं है, ओवरफ्लो तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर वापस लाए, नहीं अरे अभी जब बैठे थोड़ा सोच रहे अच्छा भगवान में ये गुण है, कितने अच्छे गुण है भगवान में ना, कितने अच्छे है, और फिर उसके बाद फिर वहां जा रहा है, फिर आप खींच रहे हो, ये धारणा है। ये जो ट्राई कर रहे हैं बार बार खींचने का, ये धारणा है। लेकिन अगर विशेष रूप से भगवान के रूप का चिंतन में लग गया, रूप आंखों में उतर आया, वो है ध्यान, वो है ध्यान। अमृत धारा की तरह अविच्छिन्न भाव से स्मरण करना ध्रुवानुस्मृति है। आपकी 64 माला हो जाए, 128 माला हो जाए, मगर वो याद करने का, वो लीला का क्रम ही ना टूटे, पता ही ना चले कि आप 9 बजे बैठे थे, 3 बजने को आए, और आपको अपने शरीर की सुध नहीं रह रही है और लीला आपके आगे चली जा रही है और आप उसके अंदर ही हो, हरि नाम चल रहा है। यह है ध्रुवानुस्मृति। ध्रुवानुस्मृति और देह मात्र के स्फुरण को समाधि कहते हैं। मतलब देह मात्र के स्फुरण को, तुरंत अब कुछ भी कहीं भी आपको भगवान दिख रहे हैं, अब कहीं किसी भी चीज को, काला शॉल देखा कृष्ण की याद आ गए, है नीला कपड़ा देखा राधा रानी के परिधान याद आ गए, है ना, मतलब कहीं भी किसी भी चीज, अब तो मतलब क्योंकि यहां तक आ गए ध्रुवानुस्मृति तक, अब समाधि की अवस्था ही है आएगी, तो ये हाईएस्ट अवस्था है समाधि की। ध्रुवानुस्मृति और समाधि ये हाईएस्ट अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो स्मरणांग के सुसेवन के फलस्वरूप साधक क्रमशः भाव समाधि प्राप्त कर धन्य होते हैं। भावों की समाधि होती है हमारी, आंखों की समाधि या तन की समाधि नहीं है, भावों की समाधि लगती है जाकर के, है ना, भावित हो जाते हैं पूरी तरह से। जैसे वही ना, लोहे को आग में रख दो तो लोहा दहकने लगता है, ऐसे इतने समय तक भगवान में डूबे रहो तो क्या होगा, भावों की समाधि लग जाएगी, आप उन्हीं उसी से भाव उसी भावना से एकदम भावित हो जाओगे। और अगला है चौथा, पाद सेवनम। पाद सेवन यानी पाद सेवा में पाद शब्द भक्ति पूर्वक या मर्यादा से रखा गया है, अर्थात सेवा केवल चरणों की ही करनी होगी, श्रीमुख श्री कर कमल आदि की नहीं, ऐसा नहीं है, है ना, सर्वांग सेवा करनी होगी। बोलते हैं पाद सेवन, इसका मतलब यह कि सर्वांग सेवन करनी होगी, अतिशय आदर मर्यादा के साथ सेवा करनी होगी भगवान की सेवा। और ये नहीं कि अरे भैया लड्डू गोपाल जी, अरे राधा कृष्ण जी, फटाफट उतारो कपड़े, फटाफट से बैठो, खटाखट से जाओ, मेरी 7:30 की बस छूटने वाली है, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हाँ जी हो गई, फटाफट से कपड़े वपड़े लपेटो, बैठ जाओ, अब ये लो ये भोग राग हो गया और फटाफट से तीन दिए चल गए, हो गया, अरे ये क्या सेवा हो गई, भगवान भी कह रहे हैं भैया क्या ऐसे में, वैसे ठीक था, तेने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया फालतू में। तो क्या बोला यहाँ, अतिशय आदर और मर्यादा, मर्यादा की भगवत स्वरूप है और आदर ये कि मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो, इतना आदर। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की दासता आसानी से थोड़ी ना मिलती है, तुमको कहीं लग रहा हो कि अच्छा हम भगवान के दास हैं, भगवान का दास होना
ये तो परम सौभाग्य और किस्मत की बात है, जब इंसान पूरा शुद्ध हो जाता है, परम पूर्णतम रूप से प्रेम से विभावित हो जाता है, तभी तो दास बन पाता है। क्या बात बोलते हैं गुरुदेव, जस्ट अमेजिंग। तो कह रहे हैं कि ये क्या, कि काल देश आदि की उचित परिचर्या का नाम सेवा है। कब सेवा हो रही है, सुबह हो रही है कि शाम हो रही है? सुबह के अनुसार गा रहे हैं उनके आगे, सुबह के राग में गा रहे हैं, या सुबह की सेवा हो रही है तो कैसे उन्हें ठाकुर जी को आराम आराम से जगा रहे हैं, कैसे उनको दुलरा रहे हैं, ये सारी चीजें सुबह की सेवा। हाँ, और सर्दी की सेवा हो रही है तो गर्म पानी से नहला रहे हैं, हल्का गुनगुना पानी से नहला रहे हैं। और ठंड पड़ी तो थोड़ी और गर्माहट बढ़ जानी चाहिए पानी में, और गर्म है तो ठंडा पानी, उसमें चंदन, गुलाब जल, कर्पूर, अगरू, ये सब मिला के नहला रहे हैं, तो कितना आनंद आ रहा है उनको नहाने में। और तुम्हें नहलाने में उनको जितना आनंद आ रहा है, आपको डबल आनंद आएगा नहलाने में भगवान को, उनका स्नान ध्यान में। तो ये सारी चीजें, ये काल और है काल के अनुसार उचित परिचर्या, और देश कहाँ पे हो रही है, वृंदावन में कर रहे हैं, ये सोच करके करो। वृंदावन में राधा श्याम सुंदर को निकुंज में कर रहे हैं सारी सेवा, ये सोच के करो तो कितना सुंदर है। इसका नाम सेवा है। सेवा शब्द परिचर्या वाचक है, अर्थात उसी सेवा रुचि की बात श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रथु महाराज ने विष्णु जी से कही है। हे नाथ, तुम्हारी श्री चरण सेवा की अभिरुचि के उदय होने से ही वह संसार तप्त मनुष्यों के अशेष जन्मों के संचित चित्त मल अर्थात विषय वासना की राशि को अति शीघ्र ही विनष्ट कर देती है। जैसे कि तुम्हारे पदांगुष्ठ है से निःसृत गंगा त्रिभुवन को पवित्र कर देती है। यानी कि जहां भगवान के चरण सेवा की बात हृदय में किसी के उत्पन्न होती है और ऐसी वासना उत्पन्न होती है, तो बोला कि जितने भी चित्त में जो भी मल है वो तुरंत साफ होने लगता है। जैसे क्या कि भगवान के चरणों से जो गंगा निकली हो उससे पूरे तीन लोग पवित्र हो जाते हैं, है ना, ऐसे। पाद सेवन में रुचि या सुसेवन के आनुषंगिक फल की ही बात वर्णित है। वस्तुतः भक्त पाद सेवन में रुचि के फल स्वरूप उक्त पाद सेवना की ही कामना करते हैं और कुछ नहीं। यानी कि ये कहा गया, देखो ऐसा है, जो भगवान की जो चरण सेवा में जो हमारी रुचि है, अगर ये रुचि हो जाती है तो हम इसके इस रुचि के बदले में क्या मांगते हैं भगवान से? यही मांगते हैं कि सेवा मिले भी। श्री मुचकुंद महाराज ने भगवान से कहा है, क्या कहा है, ना कामे अन्यम तव पाद सेवानात किंचन प्रार्थ्य तमाद्वरम विभो आराध्य कस्तवाम यपवर्गदम हरे वृणीतो आर्यो वरमात्म यंदनम। अर्थात हे प्रभु, जिन्होंने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है ने? वे अकिंचन जन सतत जिस सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी उस चरणारविंद सेवा के अतिरिक्त मैं अन्य कोई वर नहीं चाहता। हे हरे, तुम्हारी आराधना कर आत्म बंधन हो, इस प्रकार का अन्य वर क्या कोई लेगा? बात समझ आई? कह रहे, देखो प्रभु, भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो कहते, देखो प्रभु, तुम्हारी जो चरण सेवा है वो इतना सिंपली अवेलेबल नहीं है। वो लोग जिन्होंने अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया है, समस्त कामनाएं खत्म हो गई हैं, और भगवान उनको कहते हैं कि तुम वर लो, तो कहते हैं मुझे तो आपकी चरण सेवा चाहिए, और आपकी चरण सेवा के लिए ही उनकी रुचि है और वो कुछ चाहते नहीं। कह रहे प्रभु, जब वो लोग नहीं चाहते तो मैं भी और अन्य कोई कामना अपने हृदय में नहीं पाल रहा हूं, मुझे भी चरण सेवा ही चाहिए। ऐसा वर क्यों लूं जिससे मेरे जन्म मरण बार बार होते रहे? ऐसा वर क्यों लूं कि ये दे दो, वो दे दो, वो कर दो, वो कर दो, घर में दो बेडरूम और बन जाए, या थोड़ा वर लेना है? तो यही बोल रहे हैं क्या, कि आपकी आराधना करने के बाद आत्म बंधन हो, मेरी आत्मा बंध जाए विषयों में, ऐसा वर कोई क्या करेगा है? श्री जीव गोस्वामी पाद ने अपवर्गद शब्द के प्रयोग का तात्पर्य लिखा है कि उपासक भले ही अपने बंधन की ही प्रार्थना करे फिर भी मुक्ति ग्रहण नहीं करता, है ना। मतलब उपासक ये होता है कि अगर भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हारे को मुक्त कर देता हूँ, तो कहते नहीं नहीं, इससे अच्छा मैं बंध जाऊं, मुक्ति मत दे देना। क्यों? मुक्ति अगर मिल गई तो सायुज्य मुक्ति मिलेगी, भगवान में लीन होने वाली, फिर तो कभी भी वो भगवान का दास था तो उसे मिलेगी नहीं, सेवा का अभिलाषा कभी उत्पन्न होगा ही नहीं, कभी भक्ति का आस्वादन कर ही नहीं पाएगा, इसलिए मुक्ति मुक्ति नहीं जाता भक्त, है ना। कितनी बड़ी बात है इस पाद सेवा रूपी भक्ति में। इस पाद सेवा का अंग देखिए, कैसे पाद सेवा होती है, श्री मूर्ति दर्शन स्पर्शन,
जो भगवान के विग्रह हैं उनका दर्शन और उनका स्पर्श करना जो कि हम करते हैं, श्री मूर्ति की परिक्रमा या अनुवृज्या, यानी कि अगर भगवान की झांकी निकल रही है तो उसके पीछे पीछे चलना, आगे नहीं चलना। भगवत मंदिर गमन, ये पाद सेवा में आता है, मंदिरों में जाना। गंगा, पुरुषोत्तम, द्वारका, मथुरा आदि तीर्थों में स्नान आदि भी निहित है, है ना, तीर्थों में स्नान करना। कारण ये सब अंग पाद सेवन के ही परिकर जैसे हैं, ठीक है। अब आया अर्चन, अर्चन सुसेवन की बात। अब देखिए ये, अब आप जितने लोगों ने दूसरी दीक्षा ली उसके लिए गुरुदेव ने पहली लाइन लिखी, विष्णु मंत्र में दीक्षित व्यक्ति मात्र के लिए अपने इष्ट देव का नित्य अर्चन विधेय है, अन्यथा घोरतर पाप की बात सुनी जाती है। देखा इतना इम्पोर्टेंट है अर्चन, अर्चन को कभी छोड़ना नहीं है, अर्चन करना है। जिसने भी दीक्षा बड़ी वाली ली है उसको अर्चन करना ही करना है, है? क्यों? क्योंकि भक्ति संदर्भ में लिखा हुआ है। क्या भक्ति संदर्भ किसका है? श्रीपद जीव गोस्वामी महाराज जी का, श्रीपद जीव गोस्वामी जी का। क्या है भक्ति संदर्भ? बोला है कि सुनो, जो लोग विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं, यानी बड़ी दीक्षा जिन्होंने ली है, वे गृहस्थ हो या त्यागी अथवा ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ, वे अपनी इष्ट पूजा नहीं करते तो शास्त्रों में नरक पात की बात देखी जाती है, यानी कि नरक में जाना पड़ता है, ठीक है, उन्हें अर्चन करना होगा। विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है कि विष्णु मंत्र में दीक्षित व्यक्ति एक समय, दो समय या तीन समय श्री हरि की पूजा करेंगे, कम से कम दो समय करेंगे। श्री हरि की पूजा किए बिना भोजन करने से विविध नरकों में जाना पड़ता है। और उनकी पूजा की नहीं, हमने खा पी लिया और बाद में पूजा कर ली, ऐसे भी कई लोग हैं, तो उन्हें नरक में जाना पड़ता है। विशेषता गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चन मार्ग मुख्य भजनांग है। अगर अर्चन नहीं होगा ना किसी के घर में, ठाकुर जी नहीं होंगे, मंदिर नहीं होगा, तो उनका घर बिखरा बिखरा ही रहेगा, लूटपाट टाइप की स्थिति बनी रहेगी, दस्यु टाइप के बने रहेंगे, चोर टाइप के रहेंगे, मन से वो चोर ही रहेंगे, भगवान की चीजें खा रहे हैं और भगवान को भजन नहीं रहे। तो ये सब है, ये यहाँ लिखा हुआ है ना। ये कौन बोल रहे हैं? श्रीपद जीव गोस्वामी महाराज। अर्थात विशेषता जो लोग संपत्तिवान गृहस्थ हैं उनके लिए अर्चन मार्ग ही मुख्य है। संपत्तिवान जो है उनको तो अर्चन करना ही है, और उनका अर्चन होगा बड़ा ही सुंदर अर्चन, सोने चांदी के बर्तनों में अर्चन हो रहा है, षोडश उपचार से अर्चन हो रहा है, फूल ही फूल भगवान को वो दे रहे हैं, कितनी तरह के पकवान और व्यंजन उनको अर्पित कर रहे हैं, ऐसा अर्चन हो रहा है। भगवान की अर्चन ना कर वे यदि निष्किंचन की तरह केवल स्मरण निष्ठ है तो विद शाठ्य नामक दोष लगता है। अगर क्योंकि देखो बड़े ध्यान से सुनो, जो बाबा जी लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं उनके पास तो पैसा वैसा होता नहीं, तो बेचारे मधुकरी करके खाते हैं, हैं? तो वो अर्चन अगर नहीं भी करें और स्मरण में पूरी तरह निष्ठ हो, हरि नाम स्मरण श्रवण, तो उन्हें दोष नहीं लगता है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं, वो भी अर्चन करते हैं, चाहे वो, हमने देखा ना भांडीर वन में छोटी छोटी कुटिया में लोगों ने अपने मंदिर बना रखे हैं, इतने इतने से कुटिया, और उसके अंदर भी तीन स्टेप का मंदिर बनाया हुआ है, ऐसा मंदिर नहीं है विशाल सा, तीन स्टेप बनाए, ऊपर भगवान रखे, नीचे गुरु परंपरा रखी है, उसके नीचे भोग और बाकी जो आइटम प्रसारित करने के लिए वो सब रखा हुआ है। वो बड़ा अमेजिंग है, मतलब कि उन्हें पता है कि अर्चन का बहुत महत्व है, बिना अर्चन के बुद्धि ट्रेन नहीं होगी, चित्त जो है लाइन पे नहीं आएगा, हम सिर्फ स्मरण करते करते खुद को महान भक्त समझेंगे। लेकिन अर्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है वो शास्त्र विदित है, शास्त्र में ही बता दिया गया है ये, और इसलिए जीव गोस्वामी महाराज ये बात कह रहे हैं कि जो बहुत जो अगर मान लो कोई संपत्तिमान व्यक्ति कह रहा है नहीं मैं तो बस ऐसा है जी, इस अर्चन वर्चन के लिए मेरे को बोरिंग लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा ये करना पड़ता है ना, मैं तो ऐसा है जी वो करके खुश हूँ, स्मरण कर लेता हूँ जी, स्मरण ही तो मेन है, तो बोला तो उसको दोष लगता है। फिर क्या बोला? स्वयं अर्चना कर, ये भी सुनो, स्वयं अर्चना ना कर अन्यों के द्वारा कराने से अपने व्यवहार निष्ठत्व या आलस्य का प्रतिपादक होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नौकरों से बोल देते हैं अर्चन कर दो जल्दी से, या है तुम जाकर के अर्चन कर दो, यार आज मैं बहुत बिजी हूँ तुम थोड़ा कर दो, है ना। ये हम घर के लोगों से कह रहे हैं, हम रोज कर रहे हैं, हम किसी को बोल रहे तू कर दे, गुरु कह सकता है अपने शिष्य को ताकि वो देखे समझाए बताए, लेकिन ऐसे अगर कोई ये कह दे कि भाई जो है आज जो है ना थोड़ा आलस आ रहा है कुछ, थोड़ा लेट जाऊं, थोड़ा ज्यादा ही थका हुआ हूं, तू कर दे जरा अर्चन, तो आपकी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, आपका निष्ठा फिर आगे नहीं बढ़ती है। फिर
अर्थात अपने व्यवहार कार्य में आसक्त और सेवा विषय में अत्यंत अलस, ऐसा समझना होगा कि भैया अपने काम वाम में तो बड़ा मजेदार है, काम वाम तो कर लेता है इधर उधर से, और सेवा भगवान की सेवा कार्य करने में बड़ा अलस दिखा रहा है, ऐसा समझना होगा। विग्रह नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, इस विश्वास के साथ विग्रह सेवा करने में ही अर्चन मार्ग का यथायथ सुसेवन होता है, तभी भक्ति संदर्भ में लिखा है, ये संस्कृत में बता रहे गुरुदेव, यानी कि महात्मा गण प्रतिमा का श्री कृष्ण आदि अभीष्ट देवताओं के साथ सर्वथा अभेद रूप में ही चिंतन करते हैं कि कृष्ण जो हमारी प्रतिमा है ना भगवान कृष्ण की, या चित्रपट है ना, या आठ प्रकार से मिट्टी के बने हुए हैं, या धातु के बने हुए हैं, या पत्थर के, किसी के भी, लेकिन वो साक्षात भगवान है। जब हम इस तरीके से उनके सेवन करेंगे तभी सुसेवन होगा, तभी अर्चन का सुसेवन होगा, ठीक है, सुसेवन होगा। अपने इष्ट देवता के साथ श्री विग्रह की किसी प्रकार भेद भावना उचित नहीं है, कारण दोनों के आकारों में किसी प्रकार का भेद नहीं। अभीष्ट के साथ श्री विग्रह की किंचन मात्र भेद भावना करने से या प्रतिमा में शिला बुद्धि धातु बुद्धि रखने से व्यवहारिक और पारमार्थिक बहुत से दोषों की बात सुनी जाती है। जो ये सोचता है कि प्रतिमा, अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, हम पूजा तो कर रहे हैं पर पत्थर की बनी हुई है ना, या अष्ट धातु की बनी हुई है, ये जहां भी एक शिला बुद्धि आ गई वहां परम दोष के भागीदार बनते हो। जैसे कि सुनो, जब महाराज दशरथ हिरण के भ्रम में अंध मुनि के पुत्र सिंधु को बाण से मारकर उसे मुनि के पास लेकर के गए तो मुनि मृत पुत्र को देखकर विलाप करते हुए बोले, हाय हाय, क्या मैंने किसी दिन श्री हरि की प्रतिमा में शिला बुद्धि की जिसके अपराध से मुझे ऐसा पुत्र शोक प्राप्त हुआ, है ना। शिला बुद्धि करने से व्यवहारिक रूप से यानी भौतिक दुख तो प्राप्त, भौतिक दुख प्राप्त होता है और आध्यात्मिक तो प्राप्त हो गई होगा, है ना। इन सब शास्त्र महाजन वाणियों में दृढ़ विश्वास स्थापित कर अपने इष्ट देवता के साथ संपूर्ण अभेद मानकर विग्रह की अर्चना करने में ही अर्चनांग का यथायथ सुसेवन सुसंभव होता है। श्री जन्माष्टमी, कार्तिक व्रत, श्री एकादशी व्रत, माघ स्नान और जो कुछ भी है हमारे यहाँ बोला है हरिवासरीय तिथि, ये सब अर्चन मार्ग के ही अंतर्गत है। वंदन छठा, वंदन में के संबंध में श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अत वंदनम तच, जो कहा और उसके बाद बोलते गए फिर बोल रहे हैं, अब वंदनांग भक्ति की बात कही जा रही है। यद्यपि ये वंदनांग भक्ति अर्चनांग के अंतर्गत ही है, तथापि कीर्तन स्मरणांग की तरह यानी कीर्तन करने से श्री हरि का स्मरण भी होता है, फिर भी स्मरण की प्रधानता के कारण स्मरणांग का पृथक विधान है। इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से वंदनांग की प्रधानता दिखाते हुए इसे पृथक अंग किया गया है। हालांकि अर्चन के अंतर्गत ही आता है, पर जैसे कि स्मरण भी कीर्तन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन स्मरण इतना इम्पोर्टेंट है कि उसे अलग से एक देना पड़ा, इस तरह वंदन भी काफी इम्पोर्टेंट है। कोई कोई भक्त भगवान का अनंत गुण ऐश्वर्य सुनकर संभ्रांत चित्त से दैन्यवश ऐसा सोच लेते हैं कि उन गुणों का अनुसंधान का अथवा चरण सेवा आदि का उन्हें अधिकार नहीं, ऐसा सोचकर केवल नमस्कार मात्र के लिए कृत संकल्प होते हैं। कहीं सोचते हैं बड़े ही कि हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम तो लायक ही नहीं, तो कहते हैं हम चलो नमस्कार ही कर लेंगे। ऐसे भक्तों के लिए ही, मगर ऐसा कर मत देना जिन्होंने दीक्षा ली है ना, क्योंकि दीक्षित भक्त इन द सेंस की जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है स्पेशली, उनकी बात हो रही है। तो ऐसा सोचकर केवल नमस्कार मात्र के लिए संकल्प होते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए ही विशेष रूप से इस वंदनांग का स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया गया है। इस वंदना के संबंध में श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान के स्तव प्रसंग में कहा है, हे नाथ, तुम तो समस्त गुणों के आकर हो, सो तुम्हारे गुणों का परिमाण करने में कोई समर्थ नहीं, इसीलिए जो व्यक्ति एकमात्र तुम्हारी ही कृपा की ओर दृष्टि लगाए, सुख दुख सभी को तुम्हारी करुणा का दान मानकर अपने किए कर्मों का फल भोगता है और काय मनो वाक्य से तुम्हें नमस्कार करता है, जैसे चातक नवीन मेघ युक्त जल पाने की आशा में निहारता रहता है, उसी प्रकार अपार करुणामय तुम्हारी कृपा बिंदु पाने की आशा में जीवन धारण करता है, वो व्यक्ति पैतृक संपदा के भाई बंटवारे की तरह तुम्हारी पाद पद्म सेवा का उत्तराधिकार अवश्य ही प्राप्त करता है। इस श्लोक में वंदनांग भक्ति की ही सुसेवन की बात कही गई है। नवधा भक्ति के इन 6 अंगों का सुसेवन संभव होने पर दास सख्य और आत्मनिवेदन इन 3 अंगों का सुसेवन स्वतः संभव हो जाता है। जो 6 अंग आपको अभी तक बताए गए ना वंदना तक, ये अगर आप अच्छे से कर लो तो फिर दास सख्य आत्मनिवेदन, ये तो भाव वाली बात है, ये तीनों भाव अपने से उदित हो जाते हैं। फिर भी बता रहे हैं दास्य के बारे में, दास्य के बारे में बताया और ये बताया कि ये भागवतम में कहां वर्णित है और भक्ति संदर्भ में
क्या बोला है श्री राजीव गोस्वामी जी ने, ये सारा संस्कृत में बताने के बाद अब बता रहे हैं गुरुदेव कि अब दास भक्ति की बात बताई जा रही है कि मैं श्री विष्णु का दास हूँ। इस अभिमान से भजन अनुष्ठान करने का नाम दास भक्ति है कि मैं भगवान का कृष्ण का दास हूँ। हजारों हजारों जन्मों के सौभाग्य के फलस्वरूप मैं वासुदेव का दास हूँ है। यह अभिमान जिसके भीतर उदित होता है वह समस्त लोक का उद्धार करता है। भजन करने के यत्न की बात दूर रही, मैं भगवान का दास हूँ इस अभिमान से ही सिद्धि या प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। भजन करने की बात दूर है, आपने सिर्फ यह सोचा ही कि मैं भगवान का दास हूँ तो आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मतलब सोच में असर होना चाहिए है? ठीक है। इसी अभिप्राय से अन्य भजनांगों के उल्लेख के पश्चात ही दास भक्ति का उल्लेख किया गया कि वहां पे पहले परफेक्ट हो जाओ तो ये तो अपने से हो जाएगा दास भक्ति वहां परफेक्ट हो जाओ तो दास से संबंध में अन्य सभी भजन सर्वश्रेष्ठ तमता प्राप्त करते हैं। दुर्वासा मुनि ने महाराज अमृत से कहा था, जिन तीर्थ पद भगवान के यथा किंचित भाव से नाम मात्र सुनने से ही मनुष्य निर्मलता को प्राप्त करता है, अर्थात उनकी भागवत माधुरी आनंद के फल स्वरूप उनके इतर वस्तु में तुच्छ बुद्धि उत्पन्न होती है, उनके सम्यक भजन से वो कृतार्थता प्राप्त करेगा, ये कहना ही बहुत है ना। यानी कि बोला कि जिनका नाम सुनने से ही मनुष्य की जो बुद्धि है वो भगवान के अलावा जो दूसरी वस्तुएं हैं उनमें से हट जाती है, तुच्छ है भैया सब। तो जब वो पूरी तरह से उनका भजन करेगा जो छह अंग बताए गए तो क्या होगा, तब तो कृतार्थ हो गई, इसमें शक ही क्या है, तो कृतार्थ हो गई, उसे प्रेम फल प्राप्त हो गई। और जो लोग मैं श्री हरि का दास हूं इस अभिमान से सम्यक भजन कर रहे, सम्यक मतलब पूर्ण भजन, ये सोचना तो बहुत आसान है, एक कप चाय पी रहे और चाय पीते पीते मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, इससे कुछ होगा? मैं भगवान का दास हूं तो श्रवण से शुरू होगा और वंदन तक चलेगा, ये सारी क्रियाएं साथ साथ अच्छे से चलेंगी, तो भगवान का दास हूं ये अभिमान पुष्ट होगा, तो ही तो पुष्ट होगा है? तो उनके लिए सर्व साधन और साध्य के बीच में फिर क्या पाना बाकी रहता है, तो कुछ पाना बाकी नहीं रहता, तो मिल जाता है, यानी कि इससे अधिक साध्य साधन और कुछ नहीं। अब आगे आते हैं सख्यम, सख्य की बात बताई गई, काफी सारा श्लोक बोला गया, बता रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं गुरुदेव कि भगवान के हित की आकांक्षा से युक्त बंधु भाव का नाम सख्य है। ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी ने परमानंद स्वरूप पूर्ण भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासियों का मित्र कहा है। रामाचरण चंद्रिका में देखने में आता है कि भगवान को मनुष्य की तरह देखने के लिए और उनके साथ बंधुजन की तरह व्यवहार करने के लिए कोई कोई सेवा परायण भक्त मंदिर में ही शयन करते हैं कि मैं तो दोस्त के साथ ही सो रहा हूं, मेरा सखा है। इसी अभिप्राय से श्रवणम कीर्तनम श्लोक में दास के बाद सख्य का उल्लेख किया गया है। दास में सेवा संपत्ति रहते हुए भी संभ्रम संकोच आदि रहते हैं, संभ्रम संकोच रहता है ना कि मैं तो दास हूं, वो मालिक है, मतलब वो मालिक क्या चाह रहे हैं हमें नहीं पता, मालिक जो आज्ञा करेंगे वो करेंगे। लेकिन सखा भाव में तो ये होता है कि पहले ही प्रबंध हो जाएगा, मालिक बाद में जाएगा, मालिक अरे इतना बढ़िया सब कुछ करके रख दिया है ना। तो संकोच विहीन बंधु भावमय प्रीति में विश्वास की प्रधानता होने के कारण दास से सख्य की श्रेष्ठता है। फिर परमेश्वर में भी असंकोच व्यवहार से युक्त सख्य का विधान शास्त्रों ने रखा है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, कारण शास्त्र वाक्यों में ऐसी व्यवस्था भी सुनी जाती है कि देवता होकर ही देवता की अर्चना करोगे, देवता होकर ही देवता की अर्चना करोगे का मतलब क्या है कि उनके भाव से युक्त होगे तभी उनकी अर्चन कर पाओगे ना, मैं उनका सखा हूं, उनके भाव से तादाद में स्थापित होगा तभी कार्य होगा। किंतु साधक स्वयं को देवता माने तो अपने प्रभु की सेवा में विरोध घटित होता है, इसीलिए शुद्ध भक्त अभीष्ट देव के साथ अपने अभेद की भावना विषय विधान की उपेक्षा किया करते हैं कि हम और भगवान एक हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं कि फिर हम ढंग से कहां सेवा कर पाएंगे भगवान की है ना, अभेद हो जाएगा, हम भेद तो है ही। तो सख्य भाव अभीष्ट देवा की सेवा, अभीष्ट देवता की सेवा के परम अनुकूल होने के कारण उसे सादर ग्रहण किया करते हैं। अंत में है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन में दो प्रकार आत्मसमर्पण होता है, देह समर्पण और शुद्ध आत्मा समर्पण, एक अपनी देह का समर्पण भगवान को और एक आत्मा का समर्पण। समर्पण शब्द का अर्थ है सभी प्रकार से भगवान को ही दान करना, उस आत्मसमर्पण का कार्य है अपने लिए चेष्टा शून्य होना,
आत्मसमर्पण की निशानी क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं सोचना, 10 साल बाद मेरा क्या होगा तो उसके लिए ये बचत कर लूं, 15 है ना, ये क्या कर लूं तो ये कर लूं, मतलब अपने लिए नहीं सोचना। क्या करना फिर क्या करना? अपना साध्य साधन सभी भगवान को अर्पित, जो मेरा है वो सब तेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो काय मनो वाक्य सभी चेष्टाएं भगवान के लिए, काया से सारी चेष्टाएं, मन से और वाक्य से। ये आत्मसमर्पण गो विक्रय की तरह है, जैसे गाय को बेच दिया जाता है तो उसके पालन के लिए बेचने वाला कोई चेष्टा नहीं करता। अब बेच दिया मैंने, मेरी ये गाय है, मैंने बगल वाले को बेच दिया, अब थोड़ा ना सोचूंगा उसने आज सुबह खाना खाया कि नहीं, दिन में खाया कि नहीं, रात में खाया कि नहीं। इसी प्रकार से जो साधक श्री हरि को आत्मसमर्पण करता है, वह देह दैहिक आदि के विषय में निश्चिंत होकर निरंतर भजन सौभाग्य लाभ से धन्य हो जाता है। क्या वो देखेंगे कि मेरा घर कैसे चलेगा, वर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, ये क्या पलेगा, वो देखेंगे? मैं तो पूरी तरह से आपको समर्पण करके मैं तो दिन रात बस आपका भजन कर रहा हूँ, अब आप देखो मेरा क्या चलने वाला है, मेरा आप कोई सहारा नहीं है। तो इसके बाद श्रील ठाकुर महाशय परवर्ती अर्ध त्रिपदी में कहते हैं, अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिलो भाई यही भक्ति परम भजन। हे ब्रह्म, हे मन, ब्रह्म रुद्र आदि अन्य देवताओं का आश्रय ना लेकर एकमात्र श्री गोविंद के पाद पद्मों के आश्रय में इन नवधा भक्ति का सुसेवन करना ही सर्वश्रेष्ठ भजन है। भजनेर मध्य शेष नविधा भक्ति, है ना, कि कहीं ये सोचो कि ये भी चल रहा है और बगल में चार मूर्तियां देवी देवताओं की रखी है तो वो नहीं चलेगा, है ना, वो सीधा ही बोला है अन्य देवाश्रय ना लेकर एकमात्र गोविंद के पाद पद्मों में नवधा भक्ति का संपादन करना ही परम श्रेष्ठ भजन है। जब हम कहते हैं हम भजन कर रहे हैं, आज भजन नहीं हुआ तो हम क्या सोच रहे होते हैं? भजन सिर्फ यही होता है, हरि नाम ही। आपने देखा कि भजन 6 अंग मुख्य होते हैं और 3 अपने से उत्पन्न हो जाते हैं जब 6 अंग अच्छे से चलने लगते हैं हमारे, तो ठीक है नवदा भक्ति हम सब अच्छे से करें, यही सोचते हैं हम भी। उसके बाद अगली बार और भी सुंदर है, सारी सुंदर है, प्रेम भक्ति चंद्रिका। देखो भैया ये आपको बता रहे हैं कि प्रेम भक्ति कैसे मिलेगी, उसका उपाय बता रहे हैं श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। शुरुआत किया गुरु से, कि गुरु क्या तत्व है और कैसे हमें उसका पालन करना है उनकी आज्ञा का। फिर वैष्णव तत्व आया, अब भक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, श्रद्धा और 9 अंग और उसके और भागवतम ही सुनना है, और कहां से सुनना है, किससे सुनना है, और कौन से टीकाएं उनकी सुननी है, सारा कुछ आ गया उसमें। राधे राधे।